सी बेटा। हाँ थोड़ा सा ठीक है जी, चलिए आगे। यस डबल सी अगर आपका रह गया होगा तो मैं लास्ट में करवाती हूँ आपको दोबारा से। कि कॉम्प्लेक्स फूड है उसपे कौन एक्ट करता है? एंजाइम्स एक्ट करते हैं। एंजाइम्स आर सीजर्स जो कॉम्प्लेक्स फूड को तोड़कर सिंपल फूड में चेंज कर, राइट। चलिए तो दिस इज चूइंग, ये मैंने आपको कल बता दिया था, बट नाउ लेट्स सी कि व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग डाइजेशन। सो फर्स्ट वी टेक फूड, फर्स्ट वी टेक फूड, देन क्या हो रहा है? चुईंग। चुईंग का फंक्शन क्या मैंने आपको बताया था? आपने ये मुझे बताया था मिक्सिंग। मिक्सिंग एंड मिक्सिंग विथ सलाइवा। यस, फूड विद सलाइवा। सेकेंड है, ये मेरा साइन है इंक्रीजेस। सरफेस एरिया फॉर मोर एक्शन ऑफ सलाइवरी अमाइलेज, ये दो मेन फंक्शन है। ठीक है जी, दीज आर द टू मेन फंक्शन, ध्यान से सुनना है और फिर जब मैं कहूँ तब लिखना है। अभी नहीं, अभी नहीं, अभी लिखना नहीं है, ठीक है। चुईंग के बाद है माउथ में ही क्या हो रहा है? इन माउथ, अभी बिल्कुल नहीं लिखना, अभी आईज एंड इयर्स ऑन द स्क्रीन। सलाइवरी अमाइलेज, डाइजेस्ट सम स्टार्च, सारा नहीं, क्योंकि खाना हम मुंह में थोड़ी देर ही रखते हैं, सारे का सारा स्टार्च नहीं यहाँ पे डाइजेस्ट होता, थोड़ा सा। सेवंथ ई बॉयज पीछे बेटा, ऐसा नहीं। अपना पेन अपनी कॉपी, और अभी हमें पेन चाहिए नहीं है। डाइजेस्ट सम स्टार्च, नॉट होल स्टार्च, इनटू ग्लूकोज। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हो जाता है बेटा, सेकंड स्टेप आ जाता है स्वलोइंग। हमने फूड को स्वलो कर लिया और कहां पे पहुंचा? ईसोफेगस में। ईसोफेगस है फूड फाइल, नो चेंज ऑफ फूड इन फूड फाइल, नो डाइजेशन इन फूड फाइल। फूड पाइप सिर्फ एक पाइप ही है जो खाने को पास करती है आप, एंड नेक्स्ट आ जाता है ओपन इन स्टमक।
थर्ड पार्ट आ गया हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का, स्टमक। सिक्रीशन ऑफ सिक्रीशन ऑफ HCl एंड पेप्सिन। पेप्सिन एक एंजाइम है इन स्टमक। HCl, पेप्सिन एंड यहाँ पे म्यूकस भी होता है। स्टमक में HCl है, पेप्सिन है, म्यूकस है। क्या फंक्शन है उनके? HCl क्या करता है? किल मतलब माइक्रोब। किल द बैक्टीरिया विच कम अलोंग विद द फूड। यस, किल माइक्रोब्स इन फूड। फूड को स्टरलाइज करता है, बट बहुत ही गंद खाओगे तो बेचारा HCl भी कुछ नहीं कर पाएगा, फिर इन्फेक्शन हो जाती है। ठीक है, देन से नेक्स्ट आ जाता है। एक तो फंक्शन ये है और दूसरा फंक्शन है बेटा वेरी इंपॉर्टेंट, एक्टिवेट पेप्सिन। पेप्सिन सोया हुआ है, जैसे ही खाना स्टमक में आया, तभी उससे पहले नहीं, स्टमक खाली है एसिड खाने ऐसा नहीं, जैसे ही खाना जो है स्टमक में आया तो HCl सिक्रीज हुआ, पेप्सिन बना। HCl ने पेप्सिन को एक्टिवेट किया। अब पेप्सिन ने क्या किया? पेप्सिन ने डाइजेस्ट, सभी नहीं, डाइजेस्ट सम प्रोटीन। और उसके म्यूकस ने बेटा जो स्टमक की वॉल है वो भी प्रोटीन से बनी हुई है स्टमक ना? स्टमक की जो वॉल है वो भी प्रोटीन की बनी हुई है, तो म्यूकस जो है उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देता है। दिस इज स्टमक। तो म्यूकस ने यहाँ पे उसको कवर कर दिया ताकि उसके अपने एंजाइम्स उस पर उसको डाइजेस्ट ना कर। ठीक है, तो म्यूकस क्या कर रहा है बेटा? म्यूकस इज इट प्रोटेक्ट्स स्टमक वॉल फ्रॉम डाइजेशन। इट प्रोटेक्ट्स स्टमक वॉल फ्रॉम डाइजेशन, है ना, बाय इट्स ओन एंजाइम, राइट। उसके बाद ये नाउ सेमी डाइजेस्टेड। बेटा एसिडिक फूड होगा स्टमक में कि एल्कलाइन फूड होगा? एसिडिक एसिडिक होगा क्योंकि HCl सिक्रीट हुआ है। सेमी डाइजेस्टेड, पूरा डाइजेस्ट नहीं ना हुआ, सारे प्रोटीन भी नहीं डाइजेस्ट हुए, फैट सारे के सारे ऐसे पड़े हुए। एसिडिक फूड कॉल्ड एस याद रखना है, इसको बोलते हैं चाइल्ड। याद रहे तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आगे की क्लासेस में याद अच्छी तरह से हो जाएगा। अभी पता होना चाहिए कि चाइल्ड क्या चीज है। सेमी डाइजेस्टेड एसिडिक फूड कॉल्ड एज चाइल्ड एंटर्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन। अगर हम यहाँ पे देखें, ये इसोफेगस, ये स्टमक,
के बाद ये बहुत सारी, मैंने तो थोड़ी सी बनाई है, बट इट इज हाईली कॉइल्ड, बहुत कॉइल्ड होती है। ठीक है, यहाँ पर जो है इधर थोड़ा सा मैं This is small intestine, highly coiled. Noodles होते हैं ना जैसे, ऐसे पड़ी। ये वाला जो पार्ट है, फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, यहाँ पे क्या खुल रहा है? ये हमारा एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, दिस इज पैनक्रियास। पैंक्रियास। वेरी गुड, दिस इज पेंथिया। उसके बाद यहाँ पे क्या लिवर। लीवर है, गॉल ब्लैडर है, इसकी डक्ट भी यहाँ पे है। ठीक है, तो लीवर से क्या आ रहा है? बाइल। यहां से क्या आ रहा है? पेंक्रियाटिक पैनक्रेटिक जूस। जूस। इधर से लिवर से बाइल आ रहा है, पेंक्रिया से पेंक्रियाटिक जूस आ रहा है, और वो सब कहाँ पे आ रहा है? स्मॉल इंटेस्टाइन। सो स्मॉल इंटेस्टाइन हैज क्या है? फर्स्ट है बाइल, सेकंड है वेरी पैनक्रियाटिक जूस, गुड, पैनक्रियाटिक और थर्ड क्या है? अपने आप भी तो कुछ करती है ना। इंटेस्टाइनल जूस। यस, वेरी गुड, इंटेस्टाइन। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन मेजर पार्ट है, वैसे तो सारा ही इंपॉर्टेंट है, बट स्मॉल इंटेस्टाइन मेजर पार्ट है, जिसमें बाइल भी आ रहा है, पेंक्रियाटिक जूस भी बाहर से आ रहा है, और इंटेस्टाइनल जूस तो है। एंड अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, द बाइल अब आ रहा है फंक्शंस ऑफ बाइल। इनडाइजेशन, होल ऑफ दिस लेक्चर इज रिकॉर्डेड और इसके बाद अपलोड कर दिया जाएगा, इसलिए आपने घर में जाकर आज क्या करना है, इसको लिख लेना है, इजी रहेगा। ठीक है, चाहे एक रफ कॉपी पे लिख लेना, आपको याद हो जाएगा सारा। तो अब बाइल, जैसे आपने एक बताया मुझे, एक स्टूडेंट ने कहा कि मैम लाइपेस नहीं, बाइल तो जो फैट्स है उसको तो बाइल तोड़ता है। नहीं, ये हम डाइजेस्ट नहीं करता है बाइल। बाइल क्या कर रहा है? सबसे पहले बाइल, फर्स्ट पॉइंट है बाइल न्यूट्रलाइजेस एसिडिक चाइन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। चाइन मैंने बताया था सेमी डाइजेस्टेड फूड है। चाइन यहाँ पे क्या है? सेमी डाइजेस्टेड फूड। ठीक है जी, तो इसने न्यूट्रल कर दिया उसको। ठीक है, वो एसिडिक था, आपने एसिड बेसिस में किया है, तो इसका मतलब बाइल क्या है? बेसिक इन नेचर है, जब एसिड और बेस जो है वो मिलते हैं तो न्यूट्रल हो जाता है। यस और नो, पता है ना आप सबको? अरे यस मैम, यस यस। आपने
एसिड बेसिस की ये है, तो आपको पता है, तो बाइल जो है, बाइल इज, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लो, बाइल इज बेसिक इन नेचर, पहली बात। दूसरा बात है बेटा, ये टर्म आती है बाइल कॉजेस इमल्सिफिकेशन, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। जैसे बेटा माउथ में च्यूइंग होता है, च्यूइंग क्या करता है, दैट इज जो फूड है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में बांटता है, बॉन्ड्स नहीं तोड़ता है, सिर्फ फूड तो वही है बट उसको छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन कर देता है, राइट। लाइक वाइज इमल्सिफिकेशन, डाइजेशन नहीं है, ब्रेक, लार्ज, फैट ग्लोब्यूल इनटू स्मॉल फैट ड्रॉपलेट्स। जैसे च्यूइंग है, इमल्सिफिकेशन इज सेम एज च्यूइंग, ठीक है। लार्ज फैट ग्लोब्यूल है, इमल्सिफिकेशन हुई बाइल ने की, इसमें छोटे छोटे पार्ट्स में बांट दिया, अगेन टू इंक्रीज सरफेस एरिया, इंक्रीजेस सरफेस एरिया फॉर मोर एक्शन ऑफ लाइफ। इज इट ओके, ठीक है जी। तो बाइल ने क्या किया, पता चल गया कि बाइल डज नॉट डाइजेस्ट फैट्स। बाइल ने क्या किया, आप ये कह सकते हो, बाइल च्यूड द फैट्स इनटू स्मॉलर पार्ट। हमारे दांतों ने च्यू नहीं किया, यहाँ पे बाइल ने च्यू कर। ओके, नेक्स्ट आ जाता है बेटा, देन पेंक्रियाटिक जूस, हैज लाइपेस, हैज सॉल्ट्स, हैज प्रोटीएसेस। सॉल्ट्स क्या करते हैं, अगेन न्यूट्रलाइज जाएं, लाइपेस आपको पता है डाइजेस्ट लिपिड्स फैट्स, और प्रोटीएसेस डाइजेस्ट प्रोटीन। तो व्हाट अकर्स इन, यू नो, इन स्मॉल इंटेस्टाइन, क्या प्रोसेस हो रही है, क्या फर्स्ट है बाइल प्लस, सबसे पहले प्रोसेस है पेंक्रियाटिक सॉल्ट, क्या कर रही है, न्यूट्रलाइजेस चाय। आप थोड़ा सा ज्यादा लिखने वाला हो गया बट आपको आई होप समझ में आ रहा होगा, न्यूट्रलाइजेस चाय। उसके बाद नेक्स्ट क्या आ रहा है, फैट्स, इसको डाइजेस्ट किया लाइपेस ने, लाइपेस कहाँ से आया, पेनक्रियाज में से आया, बिसरोल प्लस फैटी एसिड।
देन थर्ड आ जाता है प्रोटीन, जो बाकी के प्रोटीन बचे थे उसको प्रोटीएज ने डाइजेस्ट किया और क्या बन गया, दैट इज अमीनो. उसके बाद जो और कार्बोहाइड्रेट्स थे, बहुत सारे तरह के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, उसको भी हम सिंपल, यहाँ पे मैं एंजाइम्स लिख रही हूँ, और उसको सिंपल शुगर से डाइजेस्ट करते हैं. ठीक है जी, तो ये सब कहाँ पर हो रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में. खाना पेंक्रियास के अंदर नहीं जाता है, बाइल के अंदर नहीं जाता है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है. और अल्टीमेटली हम क्या कहते हैं, लास्ट पॉइंट आता है, दैट डाइजेशन इज कंप्लीटेड. इन स्मॉल इंटेस्टाइन डाइजेशन इज कंप्लीटेड इन स्मॉल इंटेस्टाइन एंड द लास्ट पॉइंट, डाइजेस्टेड फूड, ये आपको पता है, इज एब्जॉर्ब इन ब्लड. इन स्मॉल इंटेस्टाइन सारा फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट हुआ, वहां से वो मूव कर गया ब्लड में, और जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो लार्ज इंटेस्टाइन में चला. इज इट राइट, चेंज्ड इनटू पीसेस एंड पासेस आउट. ठीक है, तो थोड़ा सा लार्ज इंटेस्टाइन का काम हम कल करेंगे. ठीक है, और आज आपने क्या करना है, दिस होल लेक्चर विल बी रिकॉर्डेड. यू आर नोइंग दैट साइट, आपको पता है के एडुकॉन ई लर्निंग, एवरीबॉडी नोस. तो आज सबने जाकर, चाहे मत लिखना, लिखने की जरूरत नहीं है, बट एक बार सुन जरूर ले. ठीक है, और आपको देखना ये पूरा चैप्टर याद हो जाए. इज इट ओके? और कल हम इजेशन के बारे में करेंगे, और दूसरा हम रूमिनेट स्टमक के बारे में करेंगे. ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू बच्चे, बाय बाय, थैंक यू टीचर्स, बाय मैम, बाय बाय.